साक्षी सिंह, आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई आतंकियों को फॉक्स होल एम्बुश की ट्रेनिंग दे रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इस ट्रेनिंग में आतंकी को फॉक्स होल जैसी सुरंग बनाकर छिपा दिया जाता है। उसके बाद आतंकियों को घुसपैठ के लिए रेडियो वायलेंस से निर्देश दिए जाते हैं। सुरक्षा बलों ने ऐसे 10 आतंकी रूट को चिन्हित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान राज्य से जुड़े कई मुद्दों को उनके सामने उठाएंगी, जिसमें राज्य को मिलने वाला कोष का मुद्दा अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से चल रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अब सुनवाई पूरी होने की उम्मीद जग रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी होगी। सभी पक्ष इसमें प्रयास करें। हालांकि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के रास्ते को भी खुला रखा है। अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के साथ साथ मध्यस्थता के कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह चिट्ठी लीक कैसे हो गई? मुझे चिट्ठी का खेल समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को कैसे पता कि उनके पक्ष में फैसला आएगा? अभी तो सुनवाई चल रही है। बीजेपी शिवसेना नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और हमें उस पर पूरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर में अभी भी पाबंदी जारी है। कश्मीर के अस्पतालों में इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर समीर कौल ने याचिका दायर की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी सरकार वहां क्रिकेट और स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने की तैयारी कर रही है, ताकि लद्दाख से ऐसी क्रिकेट प्रतिभाएं निकल सके जो देश का नाम रोशन कर सके। लद्दाख पहुंचे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। डेनमार्क की बियर उत्पादक कंपनी कार्लसबर्ग की भारतीय सब्सिडियरी पर अपना काम निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस खिलाने का आरोप है। कंपनी ने 18 महीने के दौरान आबकारी नियमन बुआरी के परमिट से जुड़े अधिकारियों से काम निकालने के लिए घूस दी है। हालांकि कार्लसबर्ग ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि भारतीय कामकाज की ऑडिट की जा रही है। वन नेशन वन लैंग्वेज का अब एक्टर रजनीकांत ने विरोध किया है। रजनीकांत ने कहा कि हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, दक्षिण का कोई भी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब काली अंधेरी रात होने वाली है। इसके साथ ही इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क करने का सपना भी इसी अंधेरे में गुम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे बाद विक्रम लैंडर उस अंधेरे में खो जाएगा। यही नहीं, 14 दिनों की इस खतरनाक रात में तापमान घटकर -183 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिस कारण विक्रम लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से खुद को जीवित नहीं रख पाएंगे। पिछले दिनों कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद लगने लगा था कि वे कपिल शर्मा शो में वापसी करने वाले हैं। मगर हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में सुनील ग्रोवर ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इस तरह के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे ट्वीट ने ऐसा कुछ भी हिंट नहीं दिया था। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये नहीं हो रहा है। हाँ, फैंस ने जरूर मेरे ट्वीट कर कमबैक करने की बात कही थी, लेकिन आप कयासों पर खबर नहीं बना सकते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल।